आपको गुस्सा आता है? ये क्या सवाल है, अक्सर आता ही होगा, सभी को गुस्सा आता है, पर ऐसा कितनी बार होता है जब आपको गुस्सा आपके खुद के वजह से नहीं बल्कि दूसरों की वजह से आता है? 90%, 90% लोगों के साथ और 90% टाइम ऐसा होता होगा जब हमें गुस्सा खुद के वजह से नहीं बल्कि दूसरों के वजह से आता है, दूसरों की एक्टिविटीज के वजह से आता है। मतलब हमारे बिहेवियर को, हमारे रिएक्शंस को कौन हैंडल कर रहा है? दूसरे। मतलब जैसा व्यवहार वो हमसे करवाना चाहते हैं वैसा हम करते हैं। मतलब हमारी जिंदगी का जो रिमोट है वो दूसरों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। वो जब चाहे तब हमें उकसा देंगे, जब चाहे तब हमें गुस्सा दिला देंगे, जब चाहे तब हमारा बिहेवियर चेंज कर देंगे, जब चाहे तब हमारे रिएक्शंस को चेंज कर देंगे। सपोज करिए कि आपने फैमिली के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया है, घूमने का प्लान बनाया है, और आप जहां भी काम करते हैं, आपका ऑफिस है, आपकी कोचिंग है, आपका हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर हैं तो आपका हॉस्पिटल है, आप टीचर हैं तो आपकी कोचिंग है या स्कूल है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका ऑफिस है, जहां भी हैं आप, जहां भी आप, सपोज करो आपने प्लान बनाया था बाहर जाने का फैमिली के साथ, आप वहां से निकल रहे थे, तभी किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया और अचानक से आपका अच्छा जो मूड था वो खराब हो गया। अब आप या तो क्या करेंगे, प्लान कैंसिल ही कर देंगे, जाना ही कैंसिल कर देंगे, या फिर फुल टाइम फैमिली मेंबर्स पे झल्लाते रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और जहां जाएंगे ना तो खुद एंजॉय करेंगे और अपनी बुरी सी शक्ल बनाकर कि मेरा मूड खराब है, दूसरों को भी एंजॉय कर नहीं करने देंगे। मतलब आपने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में थमा दिया है। तो फिर क्या आप इंसान हैं? आप इंसान नहीं है, आप तो खिलौने बनकर रह गए, जिसने जैसी चाबी भर दी वैसे ही आप घूमने लग गए। भगवान ने आपको इंसान बनाया है तो इंसान बन के रहिए यार, खिलौना मत बनिए, अपने आप को खिलौना मत बनने दीजिए। दूसरों की जो एक्शंस हैं, जो अगर आपसे किसी ने कुछ कहा और आप उस पर और आप गुस्सा करने लगे तो सीधी सी बात है, वो गुस्सा दिलाना चाहता था, आपको गुस्सा आ गया, तो आप अपने अपने कंट्रोल में है ही नहीं, आपकी लाइफ अपने कंट्रोल में है ही नहीं, आप तो दूसरे के कंट्रोल में है। हाँ, अगर आपके अंदर मैच्योरिटी है, अगर आप इंसान हैं, खिलौना नहीं, रोबोट नहीं, तो आप उस समय रिएक्ट नहीं करेंगे। भाई आज मेरा प्लान मूवी जाने का है, आज मेरा प्लान बाहर जाने का है, आज मेरा प्लान फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का है, तो मैं दूसरे के बातों से अपना मूड खराब नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ, जब सही वक्त आएगा तब मैं उस व्यक्ति की उस एक्शन का रिप्लाई करूंगा, उस पर रिएक्ट करूंगा, लेकिन जब वो चाहेगा तब नहीं, जब उसने बोला तब नहीं। तो खिलौना बन के नहीं जीना है, इंसान है, इंसान बन के जीना है। अगर हम दूसरों के वजह से अपने लाइफ को अफेक्ट करने लगे तो फिर हम इंसान नहीं रहे, और इसी को कहते हैं मैच्योरिटी, इसी को कहते हैं परिपक्वता, इसी को कहते हैं समझदारी। तो जरूरत है इंसान बनने की, खिलौना बनने की नहीं, रोबोट बनने की नहीं। पूछिए अपने आप से कि क्या आप वास्तव में इंसान की तरह जिंदगी जी रहे हैं या रोबोट या खिलौने की तरह।